बिरसा मुंडा की जयंती पर बड़ा ऐलान हुआ है। दिल्ली के सरायकाले खान चौक का नाम बदल दिया गया है। चौक का नाम अब बिरसा मुंडा चौक के नाम से जाना जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात की घोषणा की है। तो बड़ी खबर आ रही है, आज बिरसा मुंडा की जयंती है, इस मौके पर बड़ा ऐलान किया गया है। जनजातीय दिवस भी आज मनाया जा रहा है और दिल्ली के सरायकाले खान चौक का नाम बदल दिया गया है। अब सरायकाले खान चौक बिरसा मुंडा चौक के नाम से जाना जाएगा। तो अब तक जिसे आप सरायकाले खान चौक के नाम से बुलाया करते थे दिल्ली के, अब उसका नाम बदल दिया गया है, अब उसका नाम बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। लाल जी ने ये चौराहे का नाम भगवान बिरसा मुंडा चौराहा कर दिया है, ये भी बहुत अभिनंदनीय है। मैं मनोहर जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आज मनोहर लाल जी ने ये चौराहे का नाम भगवान बिरसा मुंडा चौराहा कर दिया है, ये भी बहुत अभिनंदनीय है। मैं मनोहर जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। प्रयागराज में यूपीपीसीएस के खिलाफ प्रतियोगी छात्रों का आंदोलन लगातार पांचवें दिन भी जारी है। प्रतियोगी छात्र छात्राएं अभी भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 2 के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि प्रदर्शनकारी छात्रों की संख्या अब कम हो गई है, लेकिन अभी भी आयोग के गेट नंबर 2 के बाहर पुलिस और आरएएफ तैनात है। कुछ प्रतियोगी छात्र छात्राएं अभी भी पोस्टर बैनर लेकर थाली और ड्रम पीटते हुए नारेबाजी कर रहे हैं। इससे पहले कल सीएम योगी के दखल के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रतियोगी छात्र छात्राओं की कुछ मांगे मान ली है। आयोग ने पीसीएस प्री 2024 की परीक्षा एक दिन में कराए जाने की मांग मान ली। इसके अलावा आरओ एआरओ परीक्षा 2023 फिलहाल स्थगित कर दी गई है। प्रतियोगी छात्र छात्राओं का कहना है कि जब तक उन्हें आयोग से नोटिस जारी नहीं किया जाएगा तब तक उनका यह विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। यूपी लोक सेवा आयोग के खिलाफ प्रतियोगी छात्रों के आंदोलन का आज पांचवा दिन है और लगातार पांचवें दिन भी तमाम जो परीक्षार्थी हैं, तमाम जो प्रतियोगी छात्र हैं, वो आयोग के गेट नंबर 2 के बाहर बैठे हैं। हालांकि आंदोलन के चौथे दिन लोक सेवा आयोग के सचिव अशोक कुमार प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, डीएम और पुलिस कमिश्नर के साथ, मंडलीय कमिश्नर के साथ यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने पीसीएस परीक्षा एक दिन एक शिफ्ट में कराए जाने की मांग परीक्षार्थियों की मान ली थी, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम परीक्षार्थी अभी भी जो है वो यहां पर डटे हुए हैं और उनका ये कहना है कि अभी भी उनकी मांग पूरी नहीं हुई है। जब तक आरओ एआरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा में भी उनको कोई नोटिस नहीं मिल जाती है, आश्वासन नहीं मिल जाता है, तब तक वो इस आंदोलन को समाप्त नहीं करेंगे, इसी तरह से बैठे रहेंगे। और यहां पर आपको दिखाएं कि जो आयोग है, आयोग के बाहर जो बैरिकेटिंग है, दो लेन है यहाँ पर, दो लेन में एक लेन फिलहाल यातायात के लिए खोल दी गई है, यानी कि जो प्रतियोगी छात्र हैं उनकी संख्या में कमी जरूर आई है और अब यहाँ पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी कम किया गया है। ये बताइए कि कल आयोग के सचिव आए थे अशोक कुमार जी, प्रशासन के अधिकारी आए थे, कुछ मांगे आप लोगों की मान ली गई थी, अब क्या बात है कि पांचवा दिन है आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं? सर हम लोग कल डिवाइड एंड रूल कर दिए हैं, पीसीएस का तो कर दिए सर, हम लोग का साथ में आरओ आरओ का भी मांग था कि वन शिफ्ट होना चाहिए, लेकिन इसको नहीं माने सर। अच्छा, एक कमेटी गठित करने की बात कही है उन्होंने, उस कमेटी गठित पे क्यों भरोसा नहीं हो रहा है आयोग पर आप लोगों को? सर कमेटी के सदस्य वही लोग होते हैं, वही लोग सदस्य होंगे, वही लोग अपना बनाएंगे, वही लोग दो शिफ्ट में एग्जाम करा देंगे, हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे बाद में सर। फिर हम लोग यही फिर इसी के मतलब नॉर्मलाइजेशन के भरोसे हम लोग टिक जाएंगे। फिर हम लोग कब तक आप लोग ऐसे बैठे रहेंगे? बैठे रहेंगे सर जब तक हमको नोटिस नहीं मिलते, एक दिन के सर एक दिन एग्जाम होना चाहिए हम लोग का। एक महिला अभ्यर्थी भी है, इनसे बात करते हैं। मैडम, आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, आप लोग किस परीक्षा के अभ्यर्थी हैं और क्या मांग है अभी आपके आश्वासन के बाद भी क्या मांग बची हुई है? हम लोग पीसीएस और आरओ आरओ की तैयारी करते हैं, तो आयोग जो है तो उन्होंने पीसीएस का तो डिफाइन कर दिया कि वन डे वन शिफ्ट होगा, लेकिन आरओ की एग्जाम ना ही आरओ को उन्होंने डिसाइड किया, वो दो शिफ्ट के लिए बोल रहे हैं। और जो समित की बात की है, जब बच्चों की डिमांड ही है वन डे वन शिफ्ट, तो आप वही करिए ना, आप समित गठित करने की क्या बात कर रहे हैं? तो मतलब अभी आप लोग आंदोलन पर बने रहेंगे? हाँ, वो निरंतर चलता रहेगा जब तक नोटिस नहीं आ जाती और दोनों की एग्जाम डेट बताए कब है, क्योंकि बच्चों को पढ़ना भी होता है। अभी क्या पीसीएस की डेट बताई गई है? नहीं, कोई डेट नहीं है, पीसीएस की डेट भी नहीं बताई गई। बस अब अभी आपको क्या लग रहा है कि कब तक ये आंदोलन चलेगा? हालांकि कुछ छात्रों की संख्या कम हुई है आज, और आएंगे लोग? जब तक आरओ के लिए नोटिस नहीं आती, आरओ के लिए भी एक दिन में एक शिफ्ट एग्जाम कराना चाहिए।
शाहजहांपुर से एक दिलचस्प वीडियो सामने आया जहां पर एक बाइक पर 8 लोग सवार थे। ये देखकर पुलिसकर्मी भी चौंक गए। वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से 8 सदस्यों के इस परिवार ने अपनी बाइक को ही अपना कार बना लिया। इस बाइक को पति चला रहा है, पत्नी पीछे बैठी है, साथ में 3 बच्चे, आगे 3 बच्चे पीछे बैठे हैं। 8 लोगों के अलावा रजाई, गद्दा, लाठी, बाल्टी भी इसमें मौजूद है। इस दौरान रास्ते में युवक को ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया। TSI ने बाइक सवार को जागरूक करते हुए वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है। ऐसा करो, गाड़ी बेच के रिक्शा ले लो।